पेट्रोलियम पदार्थ के निर्माण में सबसे पहले आता है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, जिसके तहत समुद्र के अंदर भूगर्भ से कच्चे तेल की खोज और भूगर्भ में छेद करके कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, जिसके तहत कच्चे तेल को पाइपलाइन या जहाज द्वारा तेल शुद्धिकरण विभाग तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनिंग, कच्चे तेल पर प्रक्रिया की जाती है और विभिन्न पेट्रोल पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर, जिसके तहत पेट्रोलियम पदार्थों को विभिन्न स्रोत का इस्तेमाल करके ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, जैसे रेल, टैंकर, पाइपलाइन इत्यादि। कच्चे तेल के वाहन से लेके पेट्रोलियम पदार्थों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाइपलाइन एक अत्यंत प्रभावी और सुरक्षित तेल एवं वायु वहन का जरिया है और उसके लाभ है सड़क एवं रेल की यातायात कम करने में मददगार साबित हुआ है, वायु प्रदूषण कम करने में भी सहायता करता है, इसीलिए हम इसे पर्यावरण मित्र भी कहते हैं। सड़क एवं रेल यातायात में सुरक्षा बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है, इसीलिए पाइपलाइन को जीवन रेखा भी कहा जाता है। पाइपलाइन के जरिए कंटिन्यूस पेट्रोलियम पदार्थ का वहन करते हैं और साथ ही साथ एक सस्ता जरिया है, इसीलिए इन लाभों की वजह से हमारे देश में ऑयल एवं गैस की पाइपलाइन का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पाइपलाइन मुंबई से दिल्ली 1390 किलोमीटर है। यह पाइपलाइन 6 राज्यों से गुजरती है। बीना से कोटा 260 किलोमीटर है। वाडिनार से बीना क्रूड ऑयल पाइपलाइन 940 किलोमीटर है। मुंबई, दिल्ली और बीना कोटा पाइपलाइन पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन का वहन करती है। वाडिनार बीना क्रूड ऑयल पाइपलाइन बीना रिफाइनरी तक कच्चे तेल का वहन करती है। पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए एवं रखरखाव के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया है, जिसे पाइपलाइन आरओयू कहते हैं। पाइपलाइन आरओयू मार्कर द्वारा दिखाया जाता है ऑयल एवं गैस पाइपलाइन की सुरक्षा हेतु चेतावनी बोर्ड का प्रयोजन भी किया गया है। अगर आपके खेत, गांव, शहर एवं घर के पास से पाइपलाइन बिछाई गई है तो आप कृपया ध्यान रखें। पाइपलाइन आरओयू में मकान एवं किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण न करें। कुआ, तालाब, ट्यूबवेल या बांध का निर्माण न करें। पेड़ पौधे न लगाएं। ब्लास्टिंग, बोरिंग या किसी भी यांत्रिकी उपकरण द्वारा खुदाई न करें और ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे पाइपलाइन की हानि हो। कैसे पहचाने तेल एवं गैस का रिसाव? यदि पाइपलाइन क्षेत्र में तेल एवं गैस का रिसाव होता है तो उसके संकेत है पाइपलाइन के ऊपर बदरंग या मृत अवस्था में पौधे, पानी में से आ रहे बुलबुले, मृत मच्छी, हवा में उड़ रही मिट्टी, जमीन पे पाइपलाइन के ऊपर आग, असामान्य शोर जैसे हिसिंग साउंड, असामान्य तेल एवं गैस का गंध। यदि आपको यह संकेत मिलते हैं तो न डरते हुए तुरंत रिसाव के क्षेत्र से दूरी बनाए रखें और लोगों को भी दूर रखें। पेट्रोलियम पदार्थ विस्फोटक होने के कारण रिसाव क्षेत्र में मोबाइल का इस्तेमाल न करें, धूम्रपान न करें, किसी भी तरह की चिंगारी उत्पन्न होने न दें,
ट्रैफिक को तुरंत रोक दे और गाड़ियों के इंजन बंद कर दे। तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 1-800-223-827, 1-800-223-827 पर कॉल करें या क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें। कई देश विरोधी ताकतें हमें दुर्बल बनाने के लिए पाइपलाइन को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति या वाहन को पाइपलाइन के ऊपर संदिग्ध अवस्था में पाते हैं, तो आप तुरंत हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें एवं लोकल पुलिस थाने में संपर्क करें और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग दें। इस तरह से कई समाज विघातक ताकतें पाइपलाइन से ईंधन चुराने का प्रयास करते हैं, जिससे रिसाव होने के कारण अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने पर या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। ऐसे समाज विघातक ताकतों को रोकने के लिए PMP एक्ट 2011 के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा है, जिसके तहत आजीवन कारावास हो सकता है। आपकी सतर्कता देश की समृद्धि को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। सेफ्टी इज आवर मिशन, नॉट एन इंटरमिशन।